हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 2012 का आईआईटी जेईई एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस पेपर है। फ्रेंड्स, इसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व क्वेश्चंस पढ़ेंगे वन बाय वन करके। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन, इस तरह से हम इसकी कुछ वीडियोज बनाएंगे पार्ट्स में, जिनमें हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस। एक्स एन एक सीक्वेंस है जिसमें रूट प्लस वन माइनस रूट वन प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट फोर माइनस रूट फोर इस तरह से है। इफ बाई एन बराबर प्लस वन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देन द सीक्वेंस वाई एन इज। ऑप्शन है आपके मोनोटोनिक, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ये ऑप्शन है हमारे पास, तो इसको चेक करते हैं हम। बेसिकली वाई एन के लिए पूछा था। अगर हम वाई एन की बात करें तो वाई एन क्या आएगा, एक्स वन अपॉन वन, जो कि हमारे पास आएगा प्लस रूट वन अपॉन वन, जो कि हमारे पास रूट वन या वन ही बोल सकते हैं इसको। वाई टू, वाई टू की बात करें तो ये है हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, बट एक्स वन प्लस एक्स टू एंड दो ये दोनों टर्म जो हो जाएंगे जीरो। वाई थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, तो ये दोनों टर्म तो ऐड होके जीरो जाएंगे। अंदर बचा रूट टू अपॉन थ्री। इस तरह वाई फोर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास जीरो। वाई फाइव की बात करेंगे तो वाई फाइव हो जाएगा हमारे पास रूट थ्री अपॉन फाइव, ये हमारे पास आ जाएगा। तो वैल्यू अगर देखें, वाई वन की वैल्यूज को अगर देखें तो वाई वन की वैल्यूज किस तरह से है हमारे पास, वन जीरो उसके बाद रूट टू अपॉन थ्री, यानी कि वन पॉइंट वन फोर वन अपॉन कुछ थ्री, ये होगा जो जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.471। उसके बाद की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास जीरो होगी, उसके बाद 0.√3/5 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 0.346, 0.346, और इस तरह से ये वैल्यू चलती जाएंगी फ्रेंड्स। तो अब अगर हम देखें इन वैल्यूज को, अगर हम ध्यान से देखें तो वन उसके बाद जीरो, 0.471, तो यहाँ से ये तो हो गया कि मोनोटोन नहीं है, ना तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है ना मोनोटोन डिक्रीजिंग है, क्योंकि पहले वैल्यू बड़ी थी फिर छोटी हुई, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई फिर छोटी हुई, तो ये ऑसिलेटिंग सिक्वेंस तो हो गया कि इस तरह से वैल्यू इसकी ऑसिलेट कर रही है। ये हो गया हमारे पास नॉट बाउंडेड, बट अगर हम देखें तो ये फ्रेंड्स बाउंडेड है, क्योंकि वन इसी मैक्सिमम वैल्यू है, कहीं पर भी आगे भी आएगा तो हमारे पास एक जगह रूट फाइव सॉरी रूट फोर अपॉन सिक्स आएगा सॉरी सेवन, वो भी वन से छोटा होगा तो ये बाउंडेड है। अब दो ऑप्शन आते हैं, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। बट अगर हम वैल्यूज देखें तो वन जीरो 0.471 फिर जीरो, उसके बाद इससे कुछ छोटी वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट अगली इससे भी छोटी वैल्यू आएगी, तो इस तरह से ये वैल्यू जो है अगर हम देखें तो जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है, वैल्यू जो है जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है, तो इस तरह से एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट दोनों तरह का सीक्वेंस है ये। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये है हमारे पास, एक सेकेंड इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स पावर फोर सॉरी एक्स पावर नाइन प्लस एक्स पावर सेवन प्लस एक्स पावर एट प्लस एक्स पावर थ्री प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट कितने हो सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें हम साइन चेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं फ्रेंड्स, अगर तो यहाँ पे देखें प्लस साइन है, प्लस है, सारी जगह प्लस ही प्लस है, नो प्लस साइन चेंज, साइन चेंज जो है वो कहीं हुआ ही नहीं है,
साइन चेंज प्लस से माइनस में कहीं वाई नहीं है, माइनस से प्लस में कहीं भी नहीं हुआ, तो इसके इसके लिए कह सकते हैं नो नो पॉजिटिव रियल रूट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि इसका कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं है। और जब हम एक्स बराबर माइनस एक्स पुट कर दें, एक्स बराबर माइनस एक्स पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर माइनस एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 7 माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बट अगर यहाँ देखें तो माइनस 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 और ये प्लस, तो वन साइन चेंज, वन साइन चेंज, वन साइन चेंज है, तो इसकी कंडीशन में हमारे पास इम्प्लाइज कर रहा है वन नेगेटिव रियल रूट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली एक रियल रूट होगा जो कि नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ एफ जो है आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर ये हमारे पास, एंड देन हमारे पास ये ऑप्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट 0 0 पे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एफ एक्स एट 0 0 जो होता है वो होता है हमारे पास एफ, बेसिकली अगर पॉइंट होता तो वो ए प्लस एच होता है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम एच लिख सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस एच बराबर 0 होगा, 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, ये हो गया। तो यहाँ पे एफ एच 0 की वैल्यू, एच 0 की वैल्यू यहाँ से इसमें से एक्स की जगह एच पुट कर देंगे, तो ये एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ पे ओनली एच रह गए, एच माइनस 0 अपॉन एच, तो ये आ जाएगा 1। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एफ एक्स 0 0 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जब एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ओनली एच आएगा, बाकी चीजें कट जाएंगी इस फंक्शन में। अब एफ वाई 0 0 देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं तो एफ 0 k माइनस एफ 0 0 अपॉन के, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम वाई की जगह सो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह k पुट करें, तो ये टर्म जो होगी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4, ये हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 ये 0 बट ये k स्क्वायर, तो टर्म जो है टोटल 0 हो गए, तो 0 माइनस एफ तो 0 0 पे 0 डिफाइन है ही अपॉन 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया हमारे पास एफ एक्स 0 0 जो है वो है 1 एंड एफ वाई 0 0 है वो है 0, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, इस पर व्हाट्सएप करना है, मेल नहीं करना है, सॉरी व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। और साथ ही अगर आप मेल कर सकते हो तो मेल कर सकते हैं hitesh@mlena00155@gmail.com, यहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।